All right, as you have already read the title of this video and thumbnail of this video, so is it possible or not? क्या कभी किसी लड़के का rape हो सकता है या नहीं? By the way, answer of this question is after intro. So without wasting time, let's get started. But one more thing, before getting into the video, you have to do my two works. Yes, basics, no rocket science is there. So the first work is Instagram. If you have not followed me on Instagram, then please follow my page. Because there are many more stuffs. Yes, if you are notorious like me, obviously. And the second thing is, hit the subscribe button and press the bell icon to receive all the notification from the Gareeb-Akbar. So let's figure out. Intro. And just felt right, phone blown like a tailpipe. Today's schedule airtight, I turn a short day into a long night. See you soon if you got the heart, meet you outside any park. सो गए, तो आपको बता दें, लड़के के साथ नहीं, इवन जानवरों के साथ भी रेप हो सकता है. यस, जानवर्स, एनिमल के साथ भी रेप हो सकता है. ये मैं नहीं कह रहा, ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी बोलता है. तो क्या बोलता है 377 ऑफ आईपीसी? लेट्स स्टार्ट इट. तो ये बोलता है अननेचुरल सेक्सेस के बारे में. आई मीन अननेचुरल, सपोज सेम जेंडर के पर्सन्स आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं विदाउट कंसेंट, तो वो अननेचुरल सेक्स में कंसिडर किया जाता है. सिमिलरली कोई एनिमल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विदाउट हिज कंसेंट, कंसेंट तो होगी नहीं, तो वो अननेचुरल सेक्स में कंसिडर किया जाता है. तो रही बात लड़के का रेप होने की, तो लड़के का रेप हो सकता है. गॉट इट? तो आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ. पिछले महीने दिल्ली का केस था, तो उसमें क्या हुआ था, एक छोटा बच्चा था प्यारा सा. तो वो उसके साथ बस में स्कूल जैसे जाते हैं, तो स्कूल में आते वक्त उसके साथ बस में छेड़खानी होती थी. आई मीन उसके साथ अननेचुरल सेक्स किया जाता था. तो उसने काफ़ी बार टीचर से शिकायत की, बस में ही टीचर थी, उससे शिकायत की. तो मैम ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया, आई मीन बड़ा सलीके से और बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया. तो क्या जवाब था? जवाब ये था कि आप हो ही इतने प्यारे, तो आपको कोई क्यों ना छेड़े. वाओ. तो उस बच्चे ने काफ़ी दिन सहा, लेकिन फिर उसने अपने घर पे बताया, तो बाद में अननेचुरल सेक्स का केस फाइल हुआ, आई मीन पोक्सो एक्ट का. ओके, क्योंकि वो जो बच्चा था वो 18 साल से छोटा था. तो ये तो हो गया अननेचुरल सेक्स के बारे में. तो अब हम बात करेंगे क्या क्या कंडीशंस हैं. तो कंडीशंस यही है कि ज़रूरी नहीं है कि अननेचुरल सेक्स के लिए कोई एक्टिविटी हो. आई मीन सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए 5 या 10 मिनट की एक्टिविटी होती है, तब जाके उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स कहा जाता है. तो इस केस में क्या होता है, पेनिट्रेशन इज सफिशियंट टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अननेचुरल सेक्स. आई मीन प्राइवेट पार्ट टच करना ही अननेचुरल सेक्स में कंसिडर किया जाएगा. तो ये तो हो गई जनरल बातें. सो अब हम बात करेंगे कि प्रोसीजर क्या है, आई मीन आपको करना क्या चाहिए. अगर किसी के साथ ऐसी एक्टिविटीज़ हो या ऐसी गलत हरकतें हो, तो आपको क्या करना चाहिए या उस पर्सन को क्या करना चाहिए. तो सबसे पहले आपको बता दें, ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि बहुत सीरियस ऑफेंस है. अगर ऐसा होता है तो उसको, जिसने ये सब किया है, उसको 10 ईयर्स और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक सजा हो सकती है, यानी कि 10 साल या उम्र कैद भी उसे सजा हो सकती है. जनरली डिपेंड करता है कि कितना हरासमेंट किया है, कितना डैमेज पहुंचाया है विक्टिम को. गॉट इट? सो तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको पुलिस में FIR लिखानी चाहिए विदाउट वेस्टिंग इवन ए सिंगल सेकंड. यस. एंड सेकंड थिंग इज मेडिकल. अगर हो सके तो आप अपने से, खुद से मेडिकल भी करा सकते हो. आपको डिफेंस मिलने में, आपको न्याय मिलने में काफ़ी मदद होगी इससे. So that's been clear, that's been final. I hope it is clear now. If you have any doubt regarding this video, you can leave your questions on my Instagram. Got it? So I am going to make more videos. Meanwhile, you don't forget to stay stylish and stay aware. I will see you in the next video. Bye.